तो भाई हमने फायर टीवी के ऊपर ना काफी सारी वीडियो बना रखी है, सिर्फ एक वीडियो को छोड़ के, कि फायर टीवी को सेटअप कैसे करना है एलईडी टीवी के अंदर। और भाई ये जो प्रोसेस है ना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि काफी लोग तो गलत सेटअप कर लेते हैं और फिर बाद में उनको इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल नहीं पाती जितनी इनको मिलनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फायर टीवी को कैसे सेटअप करना है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फायर टीवी को यूज कैसे किया जाता है, स्क्रीन मिरर का ऑप्शन कैसे काम करता है और कुछ हिडन फीचर के बारे में भी बताऊंगा। और हाँ गाइस, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। मेरे पास ना एक ऐसा तरीका है जिसमें फायर टीवी के अंदर अपन सारी लेटेस्ट मूवी को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। मतलब अपने को अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, डिस्नी प्लस, हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन की जरूरत ही नहीं भाई, इनके सारे कंटेंट अपने को फ्री में मिल जाएंगे। तो वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास करके वो सरप्राइज। तो एक एक करके मैं सारी बात आपको बताता हूँ यार, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो। अब गाइस, अगर आपके पास फायर टीवी स्टिक लाइट हो, थर्ड जनरेशन हो, 4K हो या 4K मैक्स हो, सबके अंदर सेटअप की प्रोसेस सेम है। बस मैं आपको जो जो यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ ना, उनको फॉलो कर लेना, फिर तो सेटअप 2 मिनट में आपका हो जाएगा यार। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर से फायर टीवी स्टिक मिलेगी, एक केबल मिलेगी और एक एडोप्टर मिलेगा। इस केबल का एक पोर्ट तो अपने फायर टीवी के अंदर लगेगा, दूसरा यूएसबी वाला पोर्ट एडोप्टर के अंदर लगेगा। और हाँ भाई, एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जो अपने को एडोप्टर मिलता है ना, उसी का यहाँ पे यूज करना, डायरेक्टली एलईडी टीवी के यूएसबी पोर्ट में मत कनेक्ट कर देना फायर टीवी को, नहीं तो आपकी फायर टीवी खराब हो जाएगी भाई। फिर मुझे मत कहना कि हमारी फायर टीवी तो बहुत जल्द खराब होगी, तो एडोप्टर को यूज करना मत भूलना। इसके साथ में बॉक्स में से अपने को एक एचडीएमआई एक्सटेंडर मिलता है, अगर आपके एलईडी टीवी के पीछे इतनी स्पेस नहीं है ना जहाँ पे आप फायर टीवी को कनेक्ट कर पाओ, क्योंकि ये जो फायर टीवी स्टिक है ना, इसकी साइज बहुत बड़ी है, तो कुछ कुछ एलईडी ऐसे होती है जिनके पीछे इतनी स्पेस नहीं होती है, तो उस केस में अपन एचडीएमआई एक्सटेंडर का यूज कर सकते हैं जो बॉक्स में अपने को मिलता है। तो इसके भी पैसे बच गए अपने पास, क्योंकि बॉक्स में मिल रहा है ना अपने को। उसके बाद ये जो फायर टीवी स्टिक है ना, इसको आपको अपनी एलईडी के एचडीएमआई पोर्ट में कनेक्ट करना है और इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ना, पावर एडाप्टर, उसको पावर प्लग में इंसर्ट करना है। तो इसका सेटअप पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट है। और हाँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं जो काफी लोग नहीं जानते यार, और वो ना गलती कर देते हैं यहाँ पे। ये जो फायर टीवी स्टिक है ना, खैर मेरे पास तो लाइट वाला वर्जन है, लेकिन थर्ड जनरेशन 4K और 4K मैक्स में अपने को रिमोट के अंदर पावर बटन और वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है, जिसके थ्रू अपन अपनी पूरी एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब फायर टीवी के रिमोट से अपन एलईडी टीवी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब गाइस, ये जो फीचर है, ये काम कैसे करता है, ये समझना भी तो जरूरी है ना। तो जितनी भी यहाँ पे ब्रांडेड एलईडी होती है ना, उनके पीछे जनरली अपने को 2 HDMI पोर्ट मिलता है, एक तो नॉर्मल पोर्ट होता है और एक होता है CEC का HDMI पोर्ट। तो अगर आपको अपने रिमोट से एलईडी टीवी को कंट्रोल करना है ना, तो इस फायर टीवी को CEC के पोर्ट में ही इंसर्ट करना। अब ये CEC क्या होता है, कौन से फायर टीवी में इसका सपोर्ट मिलता है, इसके ऊपर मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है भाई। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि CEC फीचर कैसे काम करता है फायर टीवी के अंदर। तो इस वीडियो को एक बार देख लेना अगर नहीं देखी तो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब भाई, वीडियो का सबसे मेन पार्ट कि अपन एलईडी टीवी में इसको स्टेप बाय स्टेप सेटअप कैसे करेंगे, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है यार। तो जो जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ या जो जो भी स्टेप बता रहा हूँ ना, उसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना अगर फायर टीवी को यूज करना है तो। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इसका सेटअप कैसे होता है। ओके भाई, तो फायर टीवी को जब अपन एलईडी में पहली बार कनेक्ट करेंगे ना, तो ये बूटिंग मेन्यू अपने को मिलेगा, फायर टीवी यहाँ पे लिखा हुआ है। और इससे बूटिंग मेन्यू को यहाँ पे कंप्लीट होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे भाई, अपने को वेट करना है यहाँ पे। अब देखो भाई, एक बात मैं आपको बता दूँ, फायर टीवी के जितने भी यहाँ पे न्यू वर्जन आ रहे ना, इनकी सेटअप की प्रोसेस यहाँ पे अलग है। पहले सेटअप अलग तरीके से होता था, लेकिन जितने भी यहाँ पे नए वर्जन है ना, फायर टीवी लाइट, थर्ड जनरेशन, 4K, 4K मैक्स के, इन सब के यहाँ पे सेटअप थोड़ी अलग तरीके से होता है। तो अब क्या करना है आगे, मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले अपने को अपना जो रिमोट है, ये एक ब्लूटूथ रिमोट है, तो ब्लूटूथ रिमोट से इसको पेयर करना होगा। तो सिंपल से यहाँ पे लिखा हुआ है कि होम बटन को अपने को प्रेस करके रखना है, तो अपन इसको दबा के रखते हैं होम बटन को, और जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप आपको फॉलो करनी है। तो सबसे पहले अपने को होम बटन को दबा के रखना है, ताकि अपना जो रिमोट है इसके साथ वो पेयर हो जाए। और दोस्तों, होम बटन दबाने के बाद ये जो फॉरवर्ड वाला बटन है ना, ये अपने को दबाना है, और ये फायर टीवी अपने को खुद बोल रहा है कि आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। तो अपन इसको सिंपली प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की कैटेगरी आ जाएगी, आपको जिस भी लैंग्वेज में इसको सेलेक्ट करना वो कर सकते हो, अपन इंग्लिश के अंदर सेलेक्ट कर देंगे। अब देखो भाई, ये वाला जो मेन्यू है ना सेटअप का, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड मेन्यू है यार, और काफ़ी लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। अपन दो तरीके से यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं, पहला तो है रिमोट के थ्रू और दूसरा है एप्लीकेशन के थ्रू। तो देखो, रिमोट के थ्रू सेटअप करना थोड़ा ज़्यादा आसान है, उसके लिए अपने को एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। तो रिमोट के थ्रू अगर आप इसका सेटअप कंप्लीट करना चाहते हो ना, तो बेसिकली ये जो ऑप्शन आपको मिल रहा है ना, ये सेलेक्ट है भाई, बस ओके बटन को यहाँ पे प्रेस कर देना है। तो ओके करने के बाद ये यहाँ पे जो वाईफाई है उसको यहाँ पे सर्च करेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, वाईफाई के बिना इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, आपको वाईफाई यहाँ पे देना ही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको वाईफाई से फटाफट से कनेक्ट कर लेता हूँ, और आपको भी वाईफाई से कनेक्ट करना है इसको फर्स्ट टाइम, उसके बिना इसका सेटअप नहीं होगा भाई, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे अपडेट को चेक करेगा एक बार, अगर फायर टीवी
लाइब्रेरी के अंदर कोई अपडेट आ रखा होगा तो ये अपडेट कर लेगा ऑटोमेटिक, नहीं तो सेटअप की नेक्स्ट प्रोसेस पे ये जंप कर जाएगा। ऑलराइट भाई, तो अपडेट होने के बाद अपने को इस टाइप का यहाँ पे मेन्यू मिलेगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन्यू है इस पूरी सेटअप प्रोसेस का। यहाँ पे अपने को अमेजोन के अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं भाई, फायर टीवी को अमेजोन के अकाउंट से लॉगिन करना जरूरी है, बिना लॉगिन करे अपन फायर टीवी को यूज ही नहीं कर सकते, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो आप अकाउंट से लॉगिन करो या नया अकाउंट बनाओ या फिर पीछे चल जाओ, मतलब आप इसको यूज़ नहीं कर सकते बिना अकाउंट के। अब देखो गाइस, अगर आपके पास अमेजोन का अकाउंट नहीं है, जो मैं मानता हूँ कि हर किसी के पास है यार, लेकिन अगर नहीं है तो नया अकाउंट आप बना सकते हो, इस फायर टीवी के अंदर ही आपका नया अकाउंट बन जाएगा। और अगर आपके पास पहले से ही यहाँ पे अकाउंट है तो हैव ए अकाउंट साइन इन पे चल जाना, इस पे क्लिक कर देना। उसके बाद अपने को इस टाइप का यहाँ पे यूजर इंटरफेस मिलेगा भाई। अब इसको अच्छी तरीके से समझना कि अपने को करना क्या है। यहाँ पे दो प्रोसेस अपने को बता रखा है। पहला तो ये है कि आपको एक लिंक ओपन करनी पड़ेगी अपने मोबाइल के अंदर, मतलब मोबाइल के ब्राउजर के अंदर, जो लिंक यहाँ पे अपने को दिखा रखी है amazon.com/code। इसके बाद एक कोड यहाँ पे शो होगा, जैसे कि इसने एग्जांपल पे दे रखा है FHBCTR। ये कोड आपको मोबाइल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, फिर इसका सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, साइन इन का सेटअप। ओके, या फिर दूसरा तरीका ये है कि अपने मोबाइल से इस QR कोड को स्कैन करो, उसके बाद डायरेक्टली आपके अकाउंट से ये लॉगिन हो जाएगा, अपने को ना इतना यहाँ पे लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे सेकंड वाली जो प्रोसेस है QR कोड को स्कैन करने वाली, वो थोड़ी सी यहाँ पे आसान लग रही है, तो इसके लिए मैं जो यहाँ पे QR कोड है इनका उसको स्कैन करता हूँ। अब QR कोड स्कैन करने के लिए कौन सा भी स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे स्कैनर प्ले स्टोर पर अवेलेबल है भाई। तो सिंपल ये जो लिंक आ गई इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये लिंक डायरेक्टली ओपन होगी मेरे अमेजोन अकाउंट में, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये अमेजोन के अकाउंट से ही यहाँ पे लॉगिन होता है। तो मेरी जो आईडी है वो यहाँ पे शो होगी है। अब मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालने पड़ेंगे मेरे अमेजोन अकाउंट के। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। अब भाई, जो साइन इन की पूरी प्रोसेस थी वो तो मैंने कंप्लीट कर ली है मेरे मोबाइल से। अब एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा और ये सेम कोड यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए अपनी एलईडी टीवी में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू दबाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है सक्सेस योर रजिस्ट्रेशन नाउ कंप्लीट। तो अपन को बस वेट करना है और अपनी जो फायर टीवी स्टिक है वो यहाँ पे सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुकी है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो गाइस, आपने जिस नाम से अपना अमेजोन अकाउंट बना रखा होगा ना, सेम नाम आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप अकाउंट को चेंज करो या कंटिन्यू करो। तो ऑब्वियसली इतनी मेहनत करने के बाद तो अपन अकाउंट को चेंज करेंगे नहीं, कंटिन्यू करेंगे। तो सिंपली अपन ओके बटन दबा देते हैं कंटिन्यू पे जाके। अब देखो भाई, यहाँ पे अपने को दूसरा ऑप्शन मिलेगा सेव वाईफाई पासवर्ड टू अमेजोन, मतलब आप वाईफाई के पासवर्ड को सेट कर सकते हो जो अमेजोन के अंदर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप सेटिंग में जाके नेटवर्क पे जाओगे और वाईफाई पासवर्ड पे जाओगे तो इस प्रोसेस को आप वापस से कर सकते हो। तो अभी करना ये ज़रूरी नहीं है, तो सिंपली अपन नो पे चल जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेटअप की वही यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, बाकी सब को हम स्किप कर देंगे। तो आप रिस्टोर करना चाहते हो फायर टीवी को, तो हम नहीं करना चाहते भाई। हाँ, ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने कोई और फायर टीवी को यहाँ पे पहले से यूज़ कर रखी हो। अगर आप पहली बार फायर टीवी को यूज़ कर रहे हो तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा ही नहीं। तो बेसिकली मैंने कर रखी है, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ भाई, तो मैं स्किप पर चल जाता हूँ। अब सिंपली नेक्स्ट करने के बाद अपने को ये वाला ऑप्शन मिलेगा, अपने को सिंपली कंटिन्यू पे कर देना। ये बस बता रहा है कि प्राइम वीडियो आप इस पर इंजॉय कर सकते हो। अब इस वाले मेन्यू के अंदर बता रहा है कि जितने भी यहाँ पे OTT एप्लीकेशन है जो पॉपुलर है, उसको आप या तो अभी डाउनलोड करो या फिर बाद में इसके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेना। तो अपन ऑब्वियसली इसको बाद में कर सकते हैं, तो अपन नो थैंक्स पे चल जाएंगे। अब गाइस, ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे मॉनिटर करना चाहते हो ना कि आपका डेटा कितना कंज्यूम हुआ है फायर टीवी लाइट के अंदर, अगर आप मोबाइल से फायर टीवी को यूज़ कर रहे हो ना, तो अनेबल डेटा मॉनिटर कर लेना, और अगर राउटर से यूज़ कर रहे हो तो सेटअप लेटर कर देना, क्योंकि बेसिकली ये करने की अपने को जरूरत नहीं है। अब ये वाला जो आपको मेन्यू दिख रहा है ना गाइस, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खास है जो यहाँ पे पेरेंट्स है, मतलब जिनके बच्चे यहाँ पे फायर टीवी को यूज़ करते हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हो और अगर आपके जो बच्चे हैं वो फायर टीवी को यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अनेबल पेरेंट्स कंट्रोल को यहाँ पे ओके कर सकते हो, तो आपके बच्चे वही देखेंगे जो आप उनको दिखाना चाहते हो। या फिर आप नो पेरेंटर कंट्रोल कर सकते हो अगर आप खुद इसको यूज़ कर रहे हो, या फिर आपके घर में बच्चे नहीं हैं, और अगर आपके घर में बच्चे हैं लेकिन समझ आ रहे तो ऑब्वियसली नो पेरेंटर कंट्रोल पे अपन कर देंगे। अगर आप पेरेंट्स हो तो ये वाला ऑप्शन करना भाई, नहीं तो फिर ये वाला कर देना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सेटअप थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा अगर आप नो पेरेंटर कंट्रोल करोगे। तो सिंपली अपन ने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद वेलकम टू फायर टीवी बता रहा है, इसके जो यहाँ पे बेसिक फीचर्स है वो अपने को यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अपन गोट इट पे जाते हैं और इसका सेटअप यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब अपनी आईडी जो है वो यहाँ पे अभी शो हो रही है, तो अपन बेसिकली इसी से लॉगिन करना चाहते हैं, तो ओके बटन को अपन को प्रेस कर देना है। अब इसका सेटअप यहाँ पे 100% कंप्लीट है। अब अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, बस 3 से 4 यहाँ पे प्रोसेस थी उसको कंप्लीट करने के बाद इसका सेटअप कंप्लीट है। अब आप यहाँ पे फायर टीवी को बिंदास यूज़ कर सकते हो भाई, कि बिना किसी प्रॉब्लम के। हाँ, अब इसके यूजर इंटरफेस के बारे में 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आप फायर टीवी को पहले से यूज़ कर रहे हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग यार ऐसे हैं जो फायर टीवी को पहली बार यूज़ कर रहे हैं या फिर वो एंड्रॉइड टीवी को यूज़ करते हैं और फायर टीवी के ऊपर वो स्विच कर रहे हैं। तो देखो ये जो ऊपर वाला अपने को पार्ट मिल रहा है, मैं रिमोट से कंट्रोल करूँगा, ये सारा है रिकमेंडेशन। इसके अंदर जो भी यहाँ पे नए रिकमेंडेशन है या फिर नए मूवी शो या सीरियल है उनके रिकमेंडेशन अपने को ऊपर की तरफ मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लेटेस्ट कंटेंट को देखना चाहते हैं। भाई मैं तो देखता नहीं हूँ तो मेरे लिए तो इतना यूज़फुल है नहीं है। अब ये वाला जो मेन्यू है ना भाई, इसको बोलते हैं अपन मेन्यू बार। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके थ्रू ही फायर टीवी यहाँ पे कंट्रोल होती है। देखो फाइंड वाला ऑप्शन जो है ना फर्स्ट नंबर पे, अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे अपने को कैटेगरीज मिल जाएगी। जैसे कि अगर फ्री के कंटेंट आप देखना चाहते हो, क्योंकि अमेज़न अपने को फ्री के कंटेंट भी प्रोवाइड करवाता है, तो फ्री वाले पे चल जाना। अब फ्री वाले सेक्शन में जाने के बाद ये जितने भी आपको कंटेंट दिख रहे हैं मूवी शो ये सारी यहाँ पे फ्री है। दूसरे नंबर पे अपने को ऐप स्टोर मिलता है, फिर तीसरे नंबर पे मूवी है, फिर टीवी शो है और एक्शन मूवी है। तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरीज वाइज अपने को दे रखी है। तो मान के चलो अपन ऐप स्टोर को ओपन करते हैं। तो ऐप स्टोर को ओपन करने के बाद जितनी भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सॉरी इसके ऐप स्टोर पर अवेलेबल है, उन सबका सपोर्ट अपने को इसके अंदर मिलेगा। मान के चलो अपने को नेटफ्लिक्स तो इसके अंदर मिलता है, लेकिन अगर डिस्नी प्लस हॉटस्टार में को डाउनलोड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, उसके बाद आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। और हाँ भाई, अगर आप गेम खेलना चाहते हो ना तो गेम की वैरायटी थोड़ी ज़्यादा है इसके अंदर, मतलब अच्छे खासे गेम है इसके अंदर यार, और ज़्यादातर गेम इसके अंदर फ्री है भाई। तो आप डेफिनेटली इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो गेम को। अब अपनी जो होम स्क्रीन है ना, इसके अंदर अपने को रिकमेंडेशन ही मिलती है शो और मूवी की, सारे कंटेंट यहाँ पे अपने को मिल जाएंगे, लेकिन वो कैटेगरीज वाइज अरेंज नहीं है भाई। यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि जो नई रिलीज मूवी है या फिर जो एक्शन एडवेंचर की मूवी है, तो अपने को कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाएगी और रिकमेंडेशन की कमी नहीं है भाई। अगर आपको यहाँ पे अच्छे खासे मूवी और शो देखने ना, तो रिकमेंडेशन तो भाई अच्छी खासी इसके अंदर है और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल रही है अपने को। देखो यार कितना जल्दी ये स्विच हो रहा है। तो खैर परफॉर्मेंस वाली बात तो मैंने अपनी दूसरी वाली वीडियो में बता रखी है। अब भाई ये जो होम के पास आपको लाइफ वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, ये आप इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हो। रिमोट के अंदर भी अपने को एक लाइफ वाला बटन मिल जाएगा। इसके थ्रू होता क्या है भाई, ये जितने भी यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म है, सोनी लिव, जी फाइव और वुड सेलेक्ट, इन सब के अंदर जितने भी यहाँ पे लाइव टीवी चैनल है, जैसे कि सोनी लिव के अंदर सोनी है, सोनी सब है, और उसके अलावा भी बहुत सारे चैनल है सोनी के, जी फाइव के अंदर अपना जी सिनेमा है, जी HD है, तो इन सब के जो चैनल है वो अपने को लाइव वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। लेकिन उसके लिए एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब ये वाला जो आपको सेक्शन मिल रहा है ना गाइस, ये अपनी एप्लीकेशन है, तो अगर आपको एप्लीकेशन को एक्सेस करना हो तो डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जो ऐप वाला बटन आपको मिल रहा है रिमोट के अंदर, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो जितनी भी एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल है उन सबका सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन है, सेटिंग के अंदर अपन को बहुत सारी सेटिंग मिल जाएगी, मतलब हद से ज़्यादा सेटिंग है। नोटिफिकेशन में अपने को पता चलेगा कि किन एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आया है या फिर कौन कौन सी एक्टिविटी आपने अभी करी है। अकाउंटेंट्स प्रोफाइल में अपने को अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। नेटवर्क में आप यहाँ पे इसके वाईफाई को कंट्रोल कर सकते हो। साउंड एंड डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन है ना भाई, ये थोड़ा ज़्यादा काम का है। इसके अंदर अपन एलेक्सा को कंट्रोल कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर, डिस्प्ले, ऑडियो और CEC का फीचर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको वीडियो में आगे बताया था, वो ऑप्शन भी अपने को इसके अंदर मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन बहुत काम का है अगर आपको ऑडियो को या फिर जो डिस्प्ले है उसको कस्टमाइज़ करना हो। एप्लीकेशन का जो ऑप्शन था वो ऑब्वियसली ऐप वाले बटन को दबा के आ जाता है, तो उसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं भाई। उसके अलावा यहाँ पे इक्विपमेंट कंट्रोल है। इक्विपमेंट कंट्रोल बेसिकली उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा काम आता है जिनके पास यहाँ पे इको डॉट जैसे सर्विसेज हो या फिर साउंड वार हो एलेक्सा का, तो खैर ये अपने अभी काम नहीं आएगा तो इसको अपन इग्नोर कर देते हैं। कंट्रोलर एंड ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर अपने को जो ब्लूटूथ से रिलेटेड यहाँ पे डिवाइस होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ स्पीकर है, ब्लूटूथ गेमिंग कंट्रोलर है, तो वो अपन यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। बेसिकली ये अपना ब्लूटूथ का ऑप्शन है। यहाँ पे अपन एलेक्सा को कस्टमाइज कर सकते हैं, एलेक्सा की लैंग्वेज को सेट कर सकते हैं या फिर एलेक्सा से अपन ज़्यादा बेहतर आउटपुट ले सकते हैं। तो खैर एलेक्सा को कस्टमाइज करना तो एप्लीकेशन के थ्रू होगा जो मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होती है। इसके थ्रू बस अपने को ऑप्शन दिखेगा, कुछ होता नहीं है भाई। परफॉर्मेंस में अपन इसकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंटल कंट्रोल अपने को फर्स्ट नंबर पे मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डेटा मॉनिटरिंग भी अपने को मिल रही है, जो सेटअप के टाइम पे अपने को ऑप्शन मिला था। तो यहाँ पे आप परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो ऑप्शन है उनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। वैसे कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है भाई, जिस तरीके से ये डिफॉल्ट पे सेट होता है ना वो बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। माय फायर टीवी का ऑप्शन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डेवलपर ऑप्शन अगर ओपन करना है तो अबाउट में जाना, फायर टीवी लाइट लिखा हुआ जो है ना इसके ऊपर आपको 9 से 10 बार क्लिक कर देना है, उसके बाद ये ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा डेवलपर वाला। अगर आपको अपडेट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। और उसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, फायर टीवी में जाके फायर टीवी के अंदर ये सारे ऑप्शन आते हैं। स्लिप का ऑप्शन यहाँ पे है, रीस्टार्ट का ऑप्शन है। अगर फायर टीवी आपकी अटक जाती है, हैंग हो जाती है ना, तो एक बार उसको रीस्टार्ट कर लेना, वापस से ही अच्छी चलने लग जाएगी। और फैक्ट्री रीसेट का मतलब तो खैर आपको पता ही है यार। तो एक बात ध्यान रखना, डेवलपर ऑप्शन को भाई जान मुझ के मत छेड़ना, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट उनको यार
ज़्यादा एक्सेस मत करना, नहीं तो फायर टीवी आपकी ख़राब भी हो सकती है। मतलब ऑप्शन वाइज एक्सेसिबिलिटी का जो ऑप्शन है ना भाई, मैं तो इससे दूर रहता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ चीज़ अपन छेड़ देते हैं ना तो फायर टीवी चलना एक तरीके से बंद हो जाती है, या फिर इसके आइकॉन बड़ा हो जाते हैं, या फिर ऑडियो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो इस वाले ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहना भाई, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हेल्प वाला ऑप्शन अपने पास है। अब भाई एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो अपना होम वाला बटन है ना, ये एक तरीके से शॉर्टकट की भी है। अगर आप इसको प्रेस करके रखोगे ना तो हिडन मेन्यू उसका यहाँ पे ऑन हो जाएगा भाई। इसके अंदर अपन सारे शॉर्टकट मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो ये जो मिरर वाला ऑप्शन है ना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू अपन अपने मोबाइल की स्क्रीन को इसके अंदर कास्ट कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आपको कास्ट करना है तो मिरर वाले ऑप्शन पे चल जाना, इसके ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। अब आप फायर टीवी का जो स्क्रीन मिरर है यानी कि डिस्प्ले मिररिंग है, वो तो यहाँ पे ऑन हो गया है। अब जितनी भी यहाँ पे प्रोसेस होगी वो यहाँ पे मोबाइल से होगी। इसके बाद आप अपने मोबाइल के अंदर जो भी करोगे, जो भी देखोगे ना, वो फायर टीवी स्टिक के अंदर भी आपको सेम दिखेगा, और इसकी लेटेंसी भी बहुत कम है। और क्योंकि ये ऑफलाइन काम कर रहा है तो बिना नेट के भी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो स्क्रीन मिरर इसके अंदर 100% हो जाती है, और काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि इसके अंदर स्क्रीन मिरर होती है क्या भाई, तो 100% होती है और काफ़ी अच्छी तरीके से होती है इनफैक्ट। ऑल राइट गाइस, अब जो सरप्राइज़ मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था ना, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो सरप्राइज़ क्या है अपने लिए। देखो जो फायर टीवी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, वो तो फायर टीवी स्टिक लाइट है, लेकिन आपके पास कोई भी फायर टीवी स्टिक हो ना, सबके अंदर आप लेटेस्ट मूवी को फ्री में देख सकते हो। सिंपल सी अपने को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है पिकासो। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है वो तो खैर मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू अपन जितनी भी लेटेस्ट यहाँ पे मूवी रिलीज होती है, अमेजोन प्राइम की, नेटफ्लिक्स की, डिस्नी प्लस हॉटस्टार की, या फिर सिनेमा की जो बड़ी मूवीज होती है ना, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी HD रेजुलेशन में। मतलब आप HD में इंजॉय कर सकते हो, और ये सारी मूवी भाई फ्री में चलती है। मतलब जो मूवी यहाँ पे प्राइम वीडियो पे नहीं आई है, नेटफ्लिक्स पे नहीं आई है ना, वो मूवी आपको यहाँ पे पहले देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी फ्री में। तो ये जो एप्लीकेशन है इसका नाम है पिकासो, इसके अंदर सारी मूवी यहाँ पे HD रेजुलेशन में चलती है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, लेटेस्ट, ओल्ड। और इस एप्लीकेशन के अंदर ना अपने को बहुत सारी कैटेगरीज भी मिल जाती हैं, जैसे कि थ्रिलर, साइंस फिक्शन, हॉरर, एक्शन, एडवेंचर, और भी काफ़ी सारी कैटेगरी है, देख लो यार एक बार। अब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है, फायर टीवी में इंस्टॉल कैसे करना है, ये ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये जो एप्लीकेशन है ना, इस एप्लीकेशन की डाउनलोड लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ये साइड में टेलीग्राम ग्रुप आ रहा होगा। अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है ना भाई, तो इसके दो तरीके हैं। अब पहला तरीका तो ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारे ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। अगर बाय चांस से टेलीग्राम की लिंक का काम नहीं करती डिस्क्रिप्शन के थ्रू, तो आप टेलीग्राम पे जाना, सोलो टेक सर्च करना, वहां पे आपको ये दो ग्रुप दिखेंगे। भाई डुप्लीकेट ग्रुप को ज्वाइन मत करना भाई, ये फेक ग्रुप है। ये जो दो आपको रियल ग्रुप दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई भी एक ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर ये सारी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी दे रखी है। इनफैक्ट लाइव टीवी चैनल को कैसे फ्री में देखते हैं ये भी मैंने बता रखा है इस वाली वीडियो में, तो इसको भी देख लेना इस वीडियो को एंड होने के बाद। अब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर या कंप्यूटर के अंदर। अब अगर आप इसको कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करते हो तो पेन ड्राइव के थ्रू आप इसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो एप्लीकेशन को, और OTG केबल इसके अंदर कनेक्ट हो जाती है भाई। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, देख लेना एक बार, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो OTG के थ्रू पेन ड्राइव कनेक्ट करो और पेन ड्राइव के थ्रू एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, पहला तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि एक एप्लीकेशन आती है फायर टीवी के अंदर और मोबाइल के अंदर, जिसका नाम है सेंड फाइल टू टीवी। इसके थ्रू आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन इसके अंदर डायरेक्टली सेंड कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट है कि आपको अपने मोबाइल को और फायर टीवी को सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे फायर टीवी के अंदर आप पिकासो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा ना भाई, तो ये वाली वीडियो देख लो, इसके अंदर मैंने बताया है कि जितने भी फ्री एप्लीकेशन है ना, वो कैसे फायर टीवी के अंदर डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और यूज भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देख लेना भाई, और वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।